गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं सभी को कह रहा हूँ गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आपको? बहुत अच्छे है दोस्तों। नाम मेरा रजत चोपड़ा और ये मेरी वाइफ। जैसे कहा जाता है ना कि कौन फर्स्ट होनी थी सब जानते हैं। तो पहले मैं चाहता हूँ कि ये कुछ शब्द बोले फिर मैं आपकी बात करूंगा।
मैं एक ईगल हूँ। ईगल कहाँ उड़ता है? सबसे ऊंचा पंछी माना जाता है, सबसे ऊपर होता है। मुझे लगता था मैं ईगल हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल ईगल वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक पिंजरे में बंद हूँ। उस जॉब को करने के बाद मुझे ये फील होना स्टार्ट हो गया था कि मैं कौन से कपड़े पहनूंगा मेरा बॉस डिसाइड करेगा, मैं कौन सी गाड़ी से चलूंगा ये मेरा बॉस डिसाइड करेगा, मैं कौन से घर में रहूंगा ये भी मेरा बॉस डिसाइड करेगा। यानी कि वो जेओबी जॉब मुझे बीओजे बोझ लगना स्टार्ट हो गया। यस, मैंने उसे फिट करा, मैंने खत्म करा। मैंने कहा अगर इस तरह चलता रहा रचित तो तुम अपनी ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाओगे। मेरे माइंड में एक बात आई कि अगर आगे बढ़ना है तो एक ऑप्शन बहुत बढ़िया है और वो है बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस। क्योंकि मैंने कहीं सुन रखा था कि मेरा 6 साल का जो एक्सपीरियंस था उसमें मैंने कई लोगों को मिला तो मैंने देखा कि जिन व्यक्ति ने बिजनेस करा उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। चाहे हम अपने शहर की बात करें, चाहे अपने हम स्टेट की बात करें, चाहे अपने हम नेशन की बात करें, बिजनेस वाले ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं, यस या नो? यस या नो? यस। मैंने बिजनेस स्टार्ट करा लेकिन अब माइंड में एक टेंशन थी कि यार बिजनेस कौन सा स्टार्ट करें। बिजनेस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस जीरो के बराबर। तो मैंने समझदारी ये समझी कि चलो इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कहीं रिस्क फैक्टर ना बढ़ जाए। तो मैंने क्या करा, मेरा एक फ्रेंड था वो ट्रेवल्स एंड टूर्स का बिजनेस करता था, मैंने उसके साथ इन्वेस्टमेंट करी और मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब मुझे ऐसा फील होना स्टार्ट हो गया था कि जॉब के जो चैलेंजेस थे मैं उससे बाहर आ गया और मैं आ भी गया था। जॉब का चैलेंज था कि मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पा रहा था, लेकिन यहां जब मैंने स्टार्टिंग करी तो मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पा रहा हूं। लेकिन मेरा भ्रम कुछ ही दिन का था। जब उस बिजनेस के चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए तो वो तो जॉब से भी ज्यादा खतरनाक थे। पहली बात तो उस बिजनेस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, उसके बाद उसमें बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत ईमानदारी से काम करने के बाद, अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरह से सर्व करने के बाद, जब आप उन कस्टमर्स के पास जाके अपने पेमेंट की रसीद लेके जाते थे और अपना पेमेंट लेने जाते थे तो वो कस्टमर्स आपका खुद की मेहनत का पेमेंट देने में ऐसे देते थे जैसे ईमानदारी, जैसे आपको वो कोई एहसान कर रहे हैं। ऐसा होता है बिजनेस वालों के साथ? नहीं होता? होता नहीं होता? ऐसे ही होता है। मुझे लगा यार ऐसा कब तक चलेगा। लेकिन उस बीच में दोस्तों मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। जिस फ्रेंड के साथ मैंने काम को स्टार्ट करा था उस फ्रेंड की डेथ हो गई और मैंने, मुझे लगा पता नहीं मेरे गॉड मैं उससे क्या चाहता है, लेकिन मुझे एक बात पक्का पता थी कि कुछ तो अच्छा है। और खासकर जब मेरे मदर फादर की अगर बात करूं तो मुझे अक्सर वो मोटिवेट करते थे कि नहीं रचित तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होगा। मैंने उस बिजनेस को वाइंड अप करा। बिजनेस वाइंड अप करने के बाद मेरे माइंड में एक बात क्लियर हो गई थी कि रचित अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेस होना है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स करने, अगर तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करना है, तुम्हें बढ़िया घर बढ़िया गाड़ी चाहिए, अगर तुम्हें अपनी कॉम्प्रोमाइजेस वाली लाइफ से बाहर आना है तो तुम्हें बिजनेस को करना ही पड़ेगा। आप मेरे साथ हैं? आपको बिजनेस को करना ही पड़ेगा, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन दोस्तों ये टाइम चल ही रहा था कि मेरी लाइफ में कहते ना कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अभी ये नहीं क्लियर करा कंडीशन ऑफ लाइफ था उसमें कि वो अच्छी चीज देता है कि बुरी चीज देता है। अभी छप्पर फाड़ के दिया तो उसने, लेकिन चैलेंजेस अभी लाइफ में मेरे चैलेंज चल ही रहा था। प्रोफेशनली कि मेरी लाइफ में एक पर्सनल चैलेंज आ गया। मेरी मदर, कितने लोगों की अपनी मदर, कितने लोग प्यार करते हैं, मेरी मदर को कुछ दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई, उनको बहुत कमजोरी आनी स्टार्ट हो गई। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनको डायबिटीज हो गई। क्या हो गई है? सुना आपने कभी नाम इसका? मम्मी को डायबिटीज हो गई है। दोस्तों सुन के पहली बार तो बहुत अजीब सा लगा। हमने सब हमारे जितने ऑप्शन थे हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, मेडिकेशन ट्राई कर लिया, लेकिन हमारी मम्मी की जो शुगर थी वो कहीं ना कहीं जो लेवल आना चाहिए उससे बहुत ऊपर आता था और उसके साइड इफेक्ट सब आने स्टार्ट हो गए थे। मेरी मदर
धीरे 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 बेटर हो गए। और मैं आपको अगर एक अपनी अपनी एक एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो मेरे साथ उस टाइम पे जो कंडीशंस चल रही थी वो कुछ इस तरह की थी कि जैसे आप किसी रेत को अपनी मुट्ठी में अगर दबाएंगे तो क्या होगा, आप जितना दबाएंगे वो मुट्ठी से बाहर होती चली जाएगी, आप जितना दबाएंगे वो आपकी मुट्ठी से बाहर होती चली जाएगी, आप जितना दबाएंगे आपकी मुट्ठी से बाहर होती चली जाएगी। दोस्तों सेम हमारे साथ हो रहा था, हमारी फैमिली में हम जितना ज्यादा अपनी मदर की हेल्थ के लिए काम कर रहे थे उतना ही वो हमारे हाथ से बाहर होती चली जा रही थी और हम दिन ब दिन परेशान होते। और दोस्तों एक बात कही जाती है कि जो ऊपर वाले ना वो कभी खुद नहीं आता, वो किसी एंजल को भेजता है। हमारी लाइफ में भी एक एंजल है और वो एंजल कुछ और नहीं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लेके आई थी और उन एंजल का नाम है मिसेस आशा प्रसाद टेक। और मैं चाहता हूँ उनके ऊपर जोरदार तालियां बजाइए। जब वो मेरे पास आई तो वो मुझे उस टाइम पे ये फील नहीं हुआ वो एंजल है, मुझे कुछ और लग रही थी वो, अलग ही बात अलग है। उन्होंने बताया कि रचित ये जो तुम्हें मम्मी को प्रॉब्लम है इसको इन प्रोडक्ट्स को लेने से तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा डब्बे हो गए आप ध्यान से देखो, तो हमारे घर में ना पुराने डालडे के डब्बे आते थे, या आप अगर देखो आज के टाइम पे रिफाइंड के डब्बे आते हैं उसी का छोटा रूप लग रहा था। तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि एक एक बात की जाती है कि मरता क्या करता। हम उस टाइम पे इतने परेशान थे, इतने परेशान थे, इतने परेशान थे कि हमें अगर कोई व्यक्ति ये कह देता कि फलाने वाले बाबा के पास जाके एक भभूति को देता है वो खिला दो, हम बहुत एजुकेटेड पर्सन होते हुए भी हम जाते, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, मेरी प्रायोरिटी थी मेरी मम्मी की हेल्थ। उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने मुझे बताया कि रजत ये दवाइयां नहीं, इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मुझे एक बात समझ में आई कि हो सकता है इसका साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छी बात है इसका साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर फायदा हो गया तो है ना। बस इस वजह से हमने स्टार्ट करा दोस्तों और प्रोडक्ट्स हमारे घर में आना स्टार्ट हो गए। प्रोडक्ट्स जब आना स्टार्ट हुए मम्मी कुछ अच्छे अच्छे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। और दो महीने बाद जब हमने मम्मी की अपनी रिपोर्ट कराई तो आप यकीन मानिएगा जो मेरी मदर की शुगर 200 से 250 के बीच में आया करती थी वो 86 पे आ गई। बिलीफ आना स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट्स में बिलीफ आना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद मेरी मदर को कुछ और हेल्थ चैलेंजेस थे, मेरी मदर को ब्लड प्रेशर हाई थी, 8 साल से दवाइयां चली थी। दोस्तों 4.5 साल हो गया, 4.5 साल के अंदर मेरी मदर किसी पार्टी में जाती है तो दवा खा लेती, कभी मीठा खा लेती मन करता है, ज्यादा नमक भी खा लेती है, कभी थोड़ी चीनी खा लेती है, कभी बदपरहेजी खूब सारी कर देती है, ये सब कुछ खा लेती है, लेकिन दवा के नाम पे 4.5 साल से एक भी दवा नहीं खाई। प्रोडक्ट में बहुत बिलीफ आ गया, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, हमने आशा से मिलवाना शुरू कर दिया, लेकिन बिजनेस नहीं करा। मेरे को एक माइंड में एक बात तो क्लियर हो गई थी, क्लिक कर गई थी कि अगर ये प्रोडक्ट्स मेरी माँ को फायदा दे सकता है, मेरी मदर को फायदा दे सकता है, तो ये प्रोडक्ट्स दुनिया की हर माँ को फायदा दे सकता है ना? इसी के साथ माइंड में क्लियर तो हो गया, कुछ बिलीफ आ गया, लोगों को प्रोडक्ट्स आशा जी से मिलवा के प्रोडक्ट्स दिलवाने स्टार्ट करेंगे। बिजनेस ना करने का रीजन दो थे, पहला बिजनेस की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस तरह की इंडस्ट्री मैंने देखी नहीं थी, क्योंकि मैंने जो बिजनेस देखे थे उसमें देखा था बड़ा इन्वेस्टमेंट और अगर बड़ी इनकम और चाहिए तो और बड़ा इन्वेस्टमेंट और रिस्क फैक्टर, इस बिजनेस में ऐसा कुछ था ही नहीं। दूसरा मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा निगेटिव था। निगेटिव क्यों था? मेरे फादर को 2000 में एक व्यक्ति ने आके एक कंपनी ज्वाइन कराई थी, आज बड़ी रिनाउंड कंपनी में वो, और 2000 में जब मेरे फादर को ज्वाइन कराई थी मैं 15 साल का था, तो मेरी मदर और मैं अक्सर बाहर देखा करते थे, वो रात में 1-2 बजे तक आके मेरे फादर को मोटिवेट करते थे, उनको सपने दिखाते थे और हम अक्सर अंदर खड़े होकर सिर्फ यही मम्मी और हम सोचा करते थे। उस टाइम मुझे ज्यादा गंदे वर्ड भी नहीं आते थे, तो जो भी आते थे मैं कहता था मम्मी हम खाना कब खाएंगे, मेरे फादर उस टाइम जॉब में थे, तो चलता था ऐसे। लेकिन जब वो 2 बजे के बाद जाते थे उठ के तो मेरे फादर पता है क्या कहते थे, जब वो रूम के अंदर एंटर करते थे तो कहते थे खून चूस लिया, खून चूस लिया। मैं खून चूसने वाला नहीं बनना चाहता था, मैं पिस्सू नहीं बनना चाहता,
मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता था जहां पे मेरी इज्जत डाउन हो, मैं एक ऐसा काम करना चाहता जहां पे मेरी इज्जत अप हो, व्हाइट कॉलर काम करना चाहता था, मैं एक ऐसा काम करना चाहता था जिसमें मैं सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करूं, एक ईमानदारी का काम करना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि गॉड को जब कुछ मंजूर होता आप कुछ नहीं कर सकते। इस बीच में आशा जी ने पता नहीं क्या सोच के मेरी मदर को, फादर को दो तीन ट्रेनिंग्स मीटिंग्स अटेंड करा दी, और मैं थैंक्स करता हूँ उस दिन, उस टाइम पे मैं नहीं करा था, लेकिन आज मैं थैंक्स करता हूँ। वो कुछ ट्रेनिंग्स थी सुमित भाई की लखनऊ की, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सुमित भाई का कि मेरी मदर को पता नहीं उन्होंने क्या दिखा दिया। जोरदार बजाओ सुमित भाई लखनऊ की। मेरी मदर को पता नहीं क्या दिख गया, वो मेरे पीछे पड़ गई, वो मुझे फोर्स करने लगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सच तुम्हारे लिए, तुम वैसे बिजनेस कुछ करना चाहते हो करो। मुझे लगा यार पीछे पड़ गई, अब कहां भागते हैं, मदर तो मदर, अब कहां लौट के जाता है, अपने घर पे जाता है, वो घर पे थी, तो मुझे लगा मैं क्या करूं। एक दिन बहरहाल मेरी मदर ने कहा कि लखनऊ की ट्रेनिंग जोर से बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है, आप सब मेरे साथ है। थैंक यू। मुझे लगा सोच रही है। मदर ने कहा कि लखनऊ जाओ, मैंने कहा ठीक है, बहुत फोर्स करा तो मैंने कहा ठीक है चलो लखनऊ चले जाते हैं। मैं घर से निकला लखनऊ जाने के, मैं स्टेशन तक गया लखनऊ जाने के, लेकिन लखनऊ गया नहीं। मैंने वहां जाके फोन करा अपने फ्रेंड को, मेरा एक फ्रेंड था इमाम, तो बाद में चल के मेरी फर्स्ट काउंसलिंग थी, मैंने उसे फोन करा कहां पे भाई, कहता मैं घर पे हूँ, स्टेशन के पास रहता था। मैं उसके घर गया, जाके सो गया, फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब शाम को जब मैं घर लौटा तो मेरी मदर कहती है रचित तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों था। मैंने कहा मम्मी आपको पता नहीं ट्रेनिंग में फोन से जॉब हो जाते हैं, मैं वहीं पे बैठा था इसलिए फोन से जॉब है ना। मेरी मदर भी मान गई, बहुत बोली थी है ना, कितनी बोली थी, लेकिन नहीं आप मम्मी से कभी झूठ नहीं बोल सकते, वो सब जानती है। फादर से झूठ नहीं बोल सकते आप, वो सब जानती है। वो मुझे छोड़ देने वाली थी, मेरे फादर मुझे छोड़ देने वाले थे, उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं बेटा तुझे बाद में बताऊंगा। अभी क्या हुआ, मीता जी जो आज मेरी अपलाइन है उनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाइए। मीता जी के घर में क्या हुआ, एक दिन बहुत बड़ी एक कोई मीटिंग होने वाली थी, मुझे पता चला, मम्मी ने बताया कि बहुत बड़े अपलाइन आ रहे हैं, बहुत बड़े कोई बहुत बड़े सीनियर आ रहे हैं। मैंने कहा बहुत बड़े मतलब 7-8 फुट के हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं बहुत बड़े अचीवर है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते। मैंने इस बार सोचा यार इतनी दिन से मेरी मदर पीछे पड़ी है, आशा जी पीछे पड़ी, मैंने कहा चलो इस बार चले जाते हैं, पिंडी छुटा देते हैं। मैं गया इस कहानी पे, लेकिन अकेले नहीं गया। मैंने क्या करा, जाते जाते अपने 8 दोस्तों को फोन करा और मैंने कहा चलो यार मजा करेंगे, खूब सवाल पूछेंगे, करना तो था ही, बस एक खाना पूर्ति के लिए जाना था, मम्मी ने कहा था है ना। तो मैं गया, यकीन मानिएगा मैं उनके मितान के घर के बाहर खड़ा हुआ, दिल साथ कहता हूं मैं इस बात को, दिल से मेरे 8 दोस्त बिल्कुल सगे दोस्त थे, दिल से सगे दोस्त थे, एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया। अब पासा उल्टा पड़ गया, अब मुझे लगा यार अब क्या करें, अभी तो सीन कुछ और था, मैं सवाल पूछूंगा अभी ये सवाल पूछेंगे। मैं बाहर खड़ा रहा, मैं कॉल करता रहा, जैसे मैंने बोला एकदम सगे दोस्त थे मेरे, दिल से लगे दोस्त थे, एकदम मुझे प्यार करते थे जान से बढ़ के, एक ने भी फोन नहीं उठाया। अभी दिक्कत होगी बहुत ज्यादा, अभी पासा उल्टा पड़ गया, दिक्कत ज्यादा होगी। अभी मैं तो सोच के गया था वो तो नहीं हुआ, लेकिन अब जो होने वाला था वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अभी होना क्या था, अंदर से कॉल आई, तो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझिएगा मेरे साथ हैं। यस, अंदर से कॉल आई, बुलाया गया मुझे। अब मैं बड़ा थका थका अंदर गया, मुझे लगा यार अब तो फंस गया, चलो कोई बात नहीं अंदर बैठे। लेकिन दोस्तों यकीन मानिएगा, मैंने जैसे उस रूम में एंट्री करी, जब मैंने उस रूम में एंट्री करी तो रूम में एंट्री करके मेरी राइट साइड की नजर गई और राइट साइड में एक पर्सनालिटी बैठी थी, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व बैठे थे, उनको देखते जैसे मैं सब भूल गया। उन्होंने एक ट्रेनिंग दिखाई, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने फॉरएवर की ट्रेनिंग देखी, उन्होंने फिर डेमोज देखा, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने डेमोज देखे, उन्होंने कुछ मार्केटिंग प्लान दिखाया, कुछ विजन दिखाया, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ देखा और उससे भी बेटर देखा। मुझे लगा उसको देखने के बाद जैसे जैसे प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा रहे थे, मुझे ये फील हो रहा था रचित यस
यही तो अपनी जिंदगी में तलाश कर रहा था। स्टार्ट करने की सोची थी और भूपेश सर मैं बताना चाहूंगा कि वो कौन थे, वो शख्सियत थे मेरे गुरु मिस्टर भूपेश अरोड़ा जी के लिए, पर जोड़ा देने वाले उन्होंने मुझे वो विजन दिखाया, वो प्रेजेंटेशन दिखा के अपना बैग पैक कर रहे थे और मैं उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो पीछे बोले बात रचित, मैंने कहा सर बताओ क्या करना है। उन्होंने मेरे बात की कोई और बात ही नहीं की, उन्होंने कहा रचित दिल्ली आ जाओ। कहां जाओ, कहां जाओ, उन्होंने कहा दिल्ली आ जाओ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि बरसों से प्यासे आदमी को जैसे समुद्र मिलने वाला है। मैंने सोचा नहीं, यह बता सकते जोड़ा करने वाले, मैंने एक बार नहीं सोचा। मैं दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली पहुंच के दोस्तों अब गॉड मेरे लिए प्लानिंग करना स्टार्ट हो चुका था। अब गॉड ने क्या प्लानिंग करी, जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग पता है किन की थी, मिस्टर आनंद गांधी। जितनी चीजें मैं चाहता हूँ वो इंडस्ट्री दे सकती है, ऐसा करियर मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था। और उस ट्रेनिंग के बाद जो करियर मिलता है, मैं आनंद गांधी सर को एक बार थैंक करना चाहता हूँ उस ट्रेनिंग के लिए। मैंने बहुत ट्रेनिंग्स करी, एक ट्रेनिंग से निकलता दूसरी ट्रेनिंग की लाइन में लग जाता, दूसरी से निकलता तीसरी में, वो पुराना ऑफिस था, फिर तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी। लोग उसमें ट्रेनिंग के बाद आते तो वो खाने में निकल जाते, कुछ वॉशरूम चले जाते, लेकिन मुझे तो जैसे मैं सब कुछ भूल गया था। मुझे ना खाना याद आ रहा था, ना मुझे कुछ आ रहा था, ना मुझे लघु शंकर ना दीप शंकर, कुछ नहीं आ रहा था। यकीन मानिएगा दोस्तों, मुझे तो सिर्फ दिख रहा था मैं और वो ट्रेनिंग हॉल, मैं और वो ट्रेनर, मैं और वो ट्रेनिंग की बातें। मैं सिर्फ ट्रेनिंग लेता रहा, ट्रेनिंग लेता रहा, ट्रेनिंग लेता रहा, ट्रेनिंग लेता रहा। और वो ट्रेनिंग के बाद मुझे एक चीज और मिली, वो था बिलीफ। उस बिलीफ से मुझे ये पता चला कि यस रचित, ये जो करियर है इससे तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली। मुझे विश्वास हो गया इस बात पे। मैं अपने घर आया चार दिन बाद जब मैं अपने घर आया दोस्तों, बड़ी ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मेरी मदर ने, मेरे फादर ने मुझे देख के एक बात की, रचित तुम तो चेंज हो गए, रचित तुम तो बदल गए बिल्कुल, तुम क्या थे अभी, वैसे बता रहे थे ना कान जिंदा और उधर खटी जीन्स, रचित तुम तो बदल गए। एक साल बाद मिलेंगे, देखते हैं कौन कहां पे।
मैंने काम को स्टार्ट कर दिया जिस जगह यार बजा सकते हैं आप लोग बताइए। मैंने काम को स्टार्ट करा जहां पर मैं डेली अपने फ्रेंड के यहां जाता था, डेली सुबह शाम बैठता था, मैंने नेक्स्ट डे से जाना छोड़ दिया। और मैंने नेक्स्ट डे से बात जाना ही नहीं छोड़ा, मैंने ट्रेनिंग्स में जाना बढ़ा दिया। और दोस्तों ये करते 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 मेरा बहुत मेहनत करी, बहुत लोगों से बात करी, बहुत रिजेक्शन झेले, बहुत चैलेंजेस झेले, और मैं करते 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 नेक्स्ट डे 411, 4,051, 4,500, 12,500, 17,000, 27,000, 47,000 और 10वें महीने मैंने जो मैनेजर ब्रेक करा और मेरा चेक था 72,000 रुपए। मैं उस चेक को लेकर अपने फ्रेंड के यहां पहुंच गया। मैंने कहा ये देख तेरा 10 महीने का चेक आया, 10 साल बाद मुझे पूरा नहीं लगा। तो उसने पता मुझसे क्या कहा, उसने उससे एक बात की, जो व्यक्ति पहले ही कह रहा था तो कहां फंस गया, अब वो मुझसे कह रहा था यार मुझे तो पहले ही पता था तू कुछ करके दिखाएगा। अब मैंने कहा इनका तो कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो को तक, क्योंकि मैंने एक चीज डिसाइड कर ली थी कि असफल और सफल लोगों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बात पे, सफल और असफल लोगों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। असफल लोग दुनिया के डर से अपने निर्णय को चेंज कर लेते हैं, अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं, लेकिन सफल लोग अपने निर्णय से दुनिया को चेंज कर लेते हैं। मेरा एक ड्रीम था अपना एक फ्लैट लेना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2012 में दोस्तों मैंने खुद से 22 लाख रुपए का फ्लैट लिया अपने दम पे। फादर का जो था वो अलग था, मैंने खुद लिया। यस बजा सकते हैं थोड़ा सा, आप लोग और एक दिन क्या हुआ, हम उसकी बालकनी पे खड़े थे, मैं और मेरी मम्मी बालकनी पे खड़े थे उसकी। बड़ा अच्छा मौसम था, बड़ा फ्रंट भी बहुत अच्छा फ्लैट था। तो जब हम बालकनी में खड़े थे, मेरी मदर ने बगल वाले फ्लैट में, आज यहाँ पे उस फ्लैट के कुछ लोग बैठे हैं, मदर ने बगल वाले फ्लैट में देखा सेडान, जो लंबी गाड़ियां होती ना, लंबी गाड़ी और अच्छी लग रही थी उन्हें। हमारे पास उस टाइम पे इंडिका विस्टा हुआ करती थी हैचबैक। तो मेरी मदर ने मुझसे एक बात कही कि रचित लंबी गाड़ी में घूमना कितना अच्छा लगता होगा ना। उन्होंने वो बात करके वहां खत्म कर दी दोस्तों, लेकिन मैंने उनकी आंखों में जाग लिया कि उनके बेटे से वो कुछ चाह रही है। मैंने उस दिन एक टारगेट बनाया और ठीक अपने मदर फादर की मैरिज एनिवर्सरी के दिन होंडा अमेज गाड़ी उनको गिफ्ट की। अगर हम अपने मदर फादर के ड्रीम्स को पूरा ही नहीं कर सकते तो किस बात के बच्चे उनके घूम रहे हैं सड़क पर। यस एग्जैक्टली। अब इतनी मम्मी खुश होगी, इतनी खुश होगी, इतने पापा खुश होगा, उन्होंने मेरी शादी करा दी। उनको मेरी खुशी मजाक थी, इनसे करा दी, हालत में बहुत खुश हूँ। मेरी शादी होगी। अब शादी के बाद दोस्त कहाँ जाते हो? हनी हाँ, गाते हैं फॉरएवर का और मून देखते हैं, घूमने जाते हैं। तो घूमने जाते हैं, लोग पूछने लगे आप जा रहे हो? क्योंकि मैंने सुन रखा था कि फॉरएवर के द्वारा जो टूर्स मिलते हैं, जो भी सर बता रहे थे, टूर्स बहुत मार्वेलस होते हैं, शायद अपने दम पे हम कभी उस टूर को एंजॉय ना कर पाते। तो मैंने टारगेट लिया था कि मैं अगर हनीमून जाऊंगा तो कंपनी की तरफ से ही जाऊंगा। हालांकि आपने कई लोगों ने सीटी देखी होगी भाई, तो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या करा, बहुत मेहनत करी और एक दिन मेरे पास एक मेल आई, उसमें लिखा था यू हैव अचीव मैनेजर्स रिट्रीट। मैं खुश, मैंने लोगों को फोन पे बताना शुरू कर दिया कि मुझे कंपनी के द्वारा हनीमून ट्रिप मिल गई। अब मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने उनको बताया कि मुझे कंपनी के द्वारा हनीमून ट्रिप मिल गई। लेकिन आगे की बात दिमाग में नहीं, उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कहाँ फंस गया। मैंने कहा यार पता नहीं। चलिए हद तो तब हो गई जब मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि कहाँ लेके जा रहे हैं। मैंने कहा यार पता ही नहीं। अभी सर बता रहे थे ना थोड़ा सरप्राइज होता है, तो मैंने कहा यार पता नहीं। मैंने कहा क्या होगा, लोग कह रहे हैं बेवकूफ तो नहीं बना के कंपनी। मैंने कहा भाई साहब बेवकूफ नहीं, हमारी कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, हमने करना है। बजाओ बजाओ दो बात करते हैं। हमने जो है इंतजार करा और वो दिन आया एट लास्ट। हमें पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। थैंक्स टू सर, थैंक्स टू मैनेजमेंट, वाकई में इतना अच्छा सरप्राइज। लेकिन कई लोग फंस जाते हैं इसमें मेरे ऐसा। तो हुआ क्या कि हम लोग
हम लोग लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, लखनऊ एयरपोर्ट से हम बोर्डिंग पास मिले मुंबई एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे वहां से हमें बस मिली, बस में हम लोग बैठे। अच्छा तो सीन ऐसा कुछ था कि हम राइट साइड में बैठे, किस साइड में, बस के राइट साइड में बैठे थे। आप मेरे साथ हैं? यस। बोर तो नहीं हो रहे? एक्साइटेड है? यस। भगवान करे आप सबकी शादी हो जाए। फिर भी गुजरे बोले बोले। उसके बाद हम लोग राइट साइड में बैठे थे बस के, बस बहुत देर तक चलती रही, 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 और एक टाइम बाद बस रुकी। जब बस रुकी तो हम राइट साइड पे, राइट साइड में हमने क्या देखा, बड़ी सी खंडहर टाइप की, बड़ा सा गेट था, मतलब उसको गेट को इंडिया कहते हैं, सॉरी, लेकिन मैं पहली बार मुंबई गया था तो मुझे पता नहीं था। और उसके पूरा समुद्र था, वो बड़ा भरा भरा था। तो मैंने कहा यार कंपनी का पानी में बोतल था भाई, क्योंकि वहां पे बस बस होटल दिख ही रहा था राइट साइड में, और वहां बिल्स लगी थी। मैंने कहा यहाँ पर पानी नहीं है, ये सोच के मैं नीचे आई रहा दोस्तों, ऐसे नीचे आया और लेफ्ट साइड में गेट था। बस के गेट से जैसे ही मैं उतरा, मैंने देखा सामने एक ग्रिल लगी, उसके आस पास बड़े स्मार्ट से लोग खड़े, लेकिन उसके चौकीदार थे, कुछ लोग बाहर फोटो भी खिंचवा रहे थे। मैंने उसको ऊपर देखा, फिर मैंने उसको ऊपर देखा, फिर मैंने उसको ऊपर देखा, फिर मैं उसको ऊपर देखा, और मैं देखता रह गया। वो कोई और जगह नहीं थी, इस इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी थी, होटल ताज। में तो बदल में साफ करा था, उन्होंने बोला कि आपको यही रोकना है, तो मेरा सीना 44 इंच से 52 इंच हो गया अपनी वाइफ के लिए। मैंने कहा देखा ये फॉरएवर का ट्रीटमेंट है ना। हम लोग ने एंट्री करी और 3 दिन हम लोग ने जो एंजॉय करा, मैं पूरे टाइम अपने आप को फील करता रहा कि मैं एक राजा हूँ, और मेरी वाइफ फील करती रही कि वो एक रानी है। और जब 3 दिन बाद दोस्तों हम लोग अपने घर पे आए ना, तो हर एक पति जो अपनी पत्नी से सुनना चाहता है वो उसने बोला, अभी वो नहीं बोला जो आप 3 वर्ड सोचने वाले, वो तो ऐसे ही बोलते रहते, लेकिन उसने एक ऐसी बात करी जो हर एक पति चाहता है। उसने बोला मैं धन्य हो गई आप जैसे पति तो पा गई। और मैंने मन ही मन सोचा मैं धन्य हो गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को पा गया। दोस्तों इसी के साथ मुझे पता चला मैंने मिलियनेयर क्लब ज्वाइन अचीव करा, मैं 10 लाख से ऊपर साल की इनकम में आ गया हूँ। फॉरएवर ने मेरी लाइफ में जो मैं सब सपने में भी नहीं सोच सकता था, मेरी हकीकत में मुझे वो सब चीजें प्रोवाइड करी, फॉरएवर आगे प्रोवाइड करेगा। दोस्तों फर्क क्या था, बस मेरा ये बात खत्म होने पे आती है, फर्क क्या था कि मैं अपनी लाइफ में हार्ड वर्किंग पहले भी था, मैं अपनी लाइफ में गोल ओरिएंटेड पहले भी था, मेरे सपने पहले भी बड़े थे, मैं सब कुछ पहले करना चाहता था, ईमानदार भी था, लेकिन लाइफ में सिर्फ एक चीज की कमी थी, वो था बेस्ट प्लेटफॉर्म। जैसे एयरप्लेन होता है ना, जानते हैं आप सब एयरप्लेन क्या करता है, क्या करता है, उड़ता है। तो जो एयरप्लेन होता है, वो एयरप्लेन जब उड़ता है उसमें बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत ऊपर तक जाने का, उसमें बड़ा सारे लोगों को लेकर जाने का बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन उसको भी एक्चुअल में प्लेटफॉर्म की जरूरत है। यस या नो? यस। वैसे दोस्तों आपको अपनी लाइफ के प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और मैं आपको यहाँ बताता हूँ, बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहूंगा, कि अगर दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इस धरती पर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, हम जैसे व्यक्तियों के लिए जो बहुत सोच रखते हैं लेकिन हम लोगों के पास कुछ और सुविधाएं नहीं है, उनके लिए अगर कोई दुनिया के अंदर बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो दैट प्लेटफॉर्म इज नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत तहे दिल से सलाम करता हूँ, आपको बहुत बहुत थैंक्स आपको कि मुझे आपने लाइव बनाया। मैं थैंक्स करना चाहूंगा सबसे पहले मिस्टर रेक्स मॉन, वाओ इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे लोग बना सकते हैं यार, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को
हम जैसे लोगों के लिए लाने वाले अपने सब सुविधाएं छोड़ के लाने वाले मिस्टर अमर जी सर, सैल्यूट सर, आप आगे तो हम कभी ना होते। एक बार जोरदार जोरदार मैं थैंक्स करना चाहूंगा फॉरएवर के स्टाफ का, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, उससे यकीन मानना। मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, मुंबई स्टाफ, दिल्ली स्टाफ, मेरठ स्टाफ एंड सबसे बढ़िया लखनऊ स्टाफ, मैं यस अलाउड होता था दोस्तों। मेरे माँ बाप के बाद मैंने ये फील करा, हमारे माँ बाप के बाद अगर कोई आपको दिल से चाहता आपकी सक्सेस, आपके पेरेंट्स के बाद कोई दिल से चाहता आपकी सक्सेस, तो ये फॉरएवर के स्टाफ हैं। यकीन मानिएगा, मैं फॉरएवर में जब लखनऊ ऑफिस फोन करता हूँ या मेरे ऑफिस में जाता हूँ तो वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो स्टाफ नहीं है, वो मेरे सगे भाई हैं ऐसा लगता है। यस, मुझे लगता है कि वो स्टाफ है, इतनी हेल्प करते हैं आउट ऑफ द वे जाके। सर ये आपका कल्चर है, थैंक्स सर, आपने इतना अच्छा कल्चर किया, वाकई में मानना पड़ेगा, ऐसे कल्चर में कौन सक्सेस नहीं होगा। यस, ट्रेनर्स का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ दोस्तों, ट्रेनर्स की ट्रेनिंग मार्वेलस ट्रेनिंग, वेरी गुड ट्रेनिंग। और सबसे आखिरी में मैं अपने अप्लाइंस को, सभी अप्लाइंस को मैं थैंक्स करना चाहूंगा, मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा, मेरी उंगली से उंगली पकड़ के आपने मुझे इस लायक बनाया। और सबसे आखिरी दोस्तों, सबसे मेन लोग जिनकी वजह से मैं आज फॉरएवर में इतनी ऊपर पहुंचा हूं, स्टेज पर आया हूं, मेरी सभी सक्सेस लाइन, मेरे सभी फ्रेंड्स, मेरी वो पूरी टीम, मैं उनको जोरदार तालियों के साथ एक बार थैंक्स करना चाहूंगा। और मैं उनको तहे दिल से थैंक करना चाहूंगा दोस्तों, तहे दिल से थैंक करना चाहूंगा, थैंक यू। और आप लोग तो शायद मैं होते हैं। लास्ट में जाते जाते बस दो लाइन बोलना चाहूंगा, पत्ते पत्ते पर नजर डाली, डाली डाली पर नजर डाली, पत्ते पत्ते पर नजर डाली, डाली डाली पर नजर डाली, लेकिन जिस दिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पर नजर डाली, इसने तो मेरी जिंदगी बदल डाली।